पंचकर्म चिकित्सा जो है वो आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। पंचकर्म की जो चिकित्साएं हैं और पंचकर्म जो विभिन्न चिकित्साएं यूज होती हैं उसको ये कहा जाता है कि अर्ध चिकित्सा है, कि आप पंचकर्म से ही मैक्सिमम चिकित्सा पेशेंट की कर सकते हैं। पंचकर्म जैसा कि नाम से पता चलता है पांच कर्म, तो पंचकर्म है बेसिकली पांच मेन तरह की क्रियाएं हैं जो शरीर की शुद्धि के लिए, संशोधन के लिए की जाती है, शरीर को शुद्ध करने के लिए की जाती है। क्योंकि आयुर्वेद में ये मानते हैं जब बीमारी बहुत ज़्यादा अपने प्रबल रूप में होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा अपने सिम्टम्स को मैनिफेस्ट करती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले आप एक काम कीजिए, अपने शरीर की शुद्धि कर दीजिए। उससे क्या होगा वो हम आगे बात करेंगे। तो उन क्रियाओं को, उन पांच मुख्य क्रियाओं को पंचकर्म के अंडर रखा गया है। जैसा कि सामान्यतः आप देखेंगे आपके शरीर की नेचुरल टेंडेंसी होती है, जब भी आपके शरीर में कोई विकार उत्पन्न होने लगता है या आपके शरीर में कोई ऐसा अनवांटेड पार्टिकल या फॉरेन बॉडी एंटर करती है, आपकी बॉडी नेचुरली उसको नियरेस्ट पास से निकालने की कोशिश करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज कुछ खाना खाया, वो खाना अच्छा नहीं था, आपके पेट में ट्रबल कर रहा है, आपको वोमिटिंग आ जाती है, कोई फॉरेन पार्टिकल आप कहीं जा रहे हैं, धूल मिट्टी आई या कुछ ऐसा पार्टिकल आपके रेस्पिरेटरी पाथवे से अंदर गया, आपको छींक आने शुरू हो जाती है, आपको खांसी आने शुरू हो जाती है। तो खांसी और छींक जो इनिशियली फेस में होती है, डेट नॉट डिसीज, वो क्या है, आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है उस चीज को बाहर निकालने का। तो पंचकर्मा ने इसी चीज को अपना बेस बनाया कि जब बॉडी की टेंडेंसी फेल हो जाए या बॉडी के अंदर टॉक्सिन इस लेवल तक एक्यूमुलेट हो जाए, उसको निकालने के लिए जो क्रिया की जाती है वो पंचकर्म की जाती है। तो इसमें मुख्यतः पांच क्रियाएं हैं जो डिवाइड होकर या इसकी सब डिवीजन उपक्रम के रूप में बहुत सारे तरह की प्रक्रियाएं हो जाती हैं, मे बी मोर देन थाउजेंड्स। मुख्य पांच क्रियाएं, उनके उपक्रम के रूप में बहुत सारी क्रियाएं, ये पंचकर्म चिकित्सा है। इसमें वमन क्रिया यानी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना थ्रू वॉमिटिंग प्रोसेस, विरेचन कर्म बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना थ्रू पर्गेशन मेथड, इसमें आपका नस्यम आता है, नस्यम और शिरोविरेचन बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, स्पेशली जो डिसऑर्डर है आपके अबव देन योर क्लेविकल, आपके जो नेक से ऊपर के डिसऑर्डर है उनके लिए नाक से नेजल रूट से मेडिसिन डाल के बॉडी डिटॉक्सिफाई करना। उसके बाद आता है बस्ती कर्म, बस्ती चिकित्सा की जाती है स्पेशली वायु के रोगों के लिए और बहुत सारे रोगों में की जाती है, और बस्ती को ही अर्ध चिकित्सा कहा गया है। उसके बाद आता है रक्त मोक्षण, ब्लड लेटिंग, जो डिफरेंट मेथड से की जाती है स्पेशली स्किन डिसऑर्डर्स के अंदर और आपके सर्कुलेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अंदर की जाती है। ये है पंचकर्म। इसको कैसे किया जाता है, उसके लिए पंचकर्म करने के लिए, किसी पंचकर्म को करने के लिए हम, उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है। इट डिपेंड ऑन पर्सन, इट डिपेंड ऑन डिसीज और इट डिपेंड ऑन आवर टारगेट कि हम करना क्या चाहते हैं। कुछ लोग जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी हेल्थ को मेंटेन के लिए पंचकर्मा करते हैं, कुछ लोग जो बीमार हो गए हैं अपनी बीमारी को दूर करने के लिए पंचकर्म किया जाता है, कुछ लोग जो बीमारी से रिकवर हुए हैं अपनी बॉडी को रेजुनेट करने के लिए पंचकर्म करते हैं। तो पंचकर्म उनके अकॉर्डिंग किया जाता है और इसकी विभिन्न विभिन्न दिन डिसाइड किए जाते हैं किसके लिए कितने दिन करना है। तो पंचकर्म करने के लिए मिनिमम 4 से 5 दिन, मैक्सिमम इसको हम 20 से 21 दिन करते हैं ड्यूरिंग वन सेशन, ठीक है। उसके बाद किसी पेशेंट को रिपीट करना है, कितने दिन बाद रिपीट करना है वो पेशेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। एवरेज टाइम किसी भी डिटॉक्सिफिकेशन क्रिया के लिए जो एवरेज टाइम पेशेंट को देख चलते हैं, डेट इज 10 to 12 days, कि इतने दिन आपको पंचकर्म करने में लग जाता है। अब इसको किया कैसे जाता है, पंचकर्म सुनते ही लोगों को दिमाग के अंदर एक सिंपल सी चीज़ आती है कि मसाज करने को पंचकर्म कहते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ मसाज इज जस्ट मे बी 1% पार्ट ऑफ द पंचकर्म। मसाज इज द जस्ट बेस ऑफ पंचकर्म, रादर देन से 1% पार्ट, मसाज इज द बेस ऑफ द पंचकर्म, जो आपकी डिफरेंट पंचकर्म क्रियाओं के लिए बेस क्रिएट करता है, और मसाज इट्सेल्फ इज अ ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिसीज लाइक ज्वाइंट पेन, नर्व प्रॉब्लम्स, मसल प्रॉब्लम्स, स्किन डिसऑर्डर्स। तो मसाज इट्सेल्फ ए प्राइम ट्रीटमेंट फॉर सम डिसीजेज। तो पंचकर्म करने के लिए हर पेशेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्रियाएं इन पांच कर्मों में से और उपकर्मों में से डिसाइड की जाती है किसके लिए क्या क्रिया करनी है। फॉर एग्जांपल, आज की सबसे बर्निंग प्रॉब्लम अर्थराइटिस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है घुटनों का दर्द, उसके लिए क्या किया जाता है, स्पेशली से घुटनों का जो पेशेंट आता है, जोड़ों दर्द का पेशेंट आता है, उसके लिए स्पेशली हम क्या करते हैं, उसके लिए कुछ मसाज के अभ्यंग के सेशन प्लान करते हैं, और अभ्यंग करने के बाद
उसको किस चीज़ से सिकाई करनी है, पोटली से सिकाई करनी है या हर्बल स्टीम देनी है या चावल की पोटली सिकाई करनी है या डिफरेंट हर्बल पाउडर से बनी हुई पोटली सिकाई करनी है, देर आर डिफरेंट मेथड्स टू गिव दैट स्टीम, और उस स्टीम का अपना एक डिफरेंट रोल है कि किस पेशेंट में किस तरह की स्टीम देनी है, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये क्रिया की जाती है, जानू बस्ती इज़ अ वेरी पॉपुलर ट्रीटमेंट जो कि हम घुटनों के दर्द के अंदर करते हैं। जानू बस्ती में क्या करते हैं, एक रिंग बनाते हैं घुटने के चारों ओर, उसमें डिफरेंट ऑयल्स को पुट किया जाता है, उसको वहाँ पर रोक के रखा जाता है कुछ देर तक। तो ये सब क्रियाएं पेशेंट की घुटनी स्लेट होती है, जैसे जानू लेपन, घुटने के चारों ओर लेप लगाना डिफरेंट हर्ब्स का, तो वो एक क्रिया है जो की जाती है। इसके बाद योग बस्ती, मात्रा बस्ती जो कि एनिमा फॉर्म में हर्बल मेडिकेशंस को देना टू स्ट्रेंथन द लिगामेंट एंड बोन्स, उसके लिए की जाती है। तो इस तरह से डिफरेंट डिसीज के लिए डिफरेंट पंचकर्म प्लान किया जाता है। अब स्पेशली बात आती है कि डिटॉक्सिफिकेशन, विच इज द प्राइम मोटो ऑफ पंचकर्मा, बॉडी की शरीर की शुद्धि करना, उसके लिए जो क्रियाएं की जाती हैं जैसे मैंने बताया उसमें 10 से 12 दिन लगते हैं। उसके लिए पहले हम कुछ बॉडी का सारा आव निकालने के लिए, बॉडी की सर्कुलेशन को प्रॉपर करने के लिए, ताकि बॉडी की मेटाबॉलिज्म प्रॉपर बूस्ट हो, उनको करने के लिए कुछ क्रियाएं की जाती हैं। लाइक हम उद्वर्तन करते हैं, सिद्धा मसाज करते हैं, या बस्ती क्रिया करते हैं, लेखन बस्ती करते हैं, या पाचन के लिए बस्ती देते हैं, मल शुद्धि के लिए बस्ती देते हैं। ये 4-5 दिन करने के बाद, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट मेथड पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं स्नेहपान। स्नेहपान क्या है कि उसमें हम कुछ मेडिकेटेड घी को डिफरेंट डोजेज में पेशेंट को मॉर्निंग ऑर्ली इनटेक के लिए देते हैं। वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम 7 डेज तक देते हैं। और उसके बाद दोबारा से वही क्रिया की जाती है लाइक मसाज 1 या 2 दिन के लिए, और लास्ट में हम उसको कुछ मेडिसिन देते हैं। जिस तरह से भी हमें उसकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करना है, हमें वमन यानी वॉमिटिंग द्वारा करना है, परगेशन या मोशंस के द्वारा करना है, उस तरह की मेडिसिन उसको दी जाती है और बॉडी को क्लीन किया जाता है। तो पंचकर्म करने के लिए ये सब विधियाँ अपनाई जाती हैं। पंचकर्म करें कब, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। तो पंचकर्म करें कब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये जानना जरूरी है कि आप पंचकर्म कर किस चीज़ के लिए रहे हैं। आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए कर रहे हैं, या आपको कोई डिसीज़ हो गई है इसलिए कर रहे हैं, या अपनी बॉडी को आप डिसीज़ के बाद रेजुनेट करना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं। सबसे पहली बात आती है पंचकर्म अगर आप हेल्दी रहने के लिए कर रहे हैं। पंचकर्म हेल्दी रहने के लिए वैसे तो किसी भी सीजन में किया जा सकता है और एवरी 6 मंथ्स में रिपीट किया जा सकता है, बट मुझसे ज़्यादा प्रेफरेबल पूछोगे तो एक टाइम आता है जो आपका टाइम होता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जो विंटर टाइम आता है डेट इज़ मोस्ट प्रेफरेबल, और उसके बाद आपका जो टाइम आता है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 महीने ये मोस्ट प्रेफरेबल टाइम है किसी भी तरह का सामान्य डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे। तो 6 मंथ्स का गैप भी आपका हो जाएगा और आपकी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन भी होती रहेगी। दूसरा आता है डिसीज पेशेंट। डिसीज पेशेंट के लिए ऑल 12 मंथ्स, ऑल 365 डेज, जब भी डॉक्टर का सजेस्ट करें वो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के लिए जा सकते हैं, क्योंकि उसका जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो डिसीज़ के लिए करना है। जैसी डिसीज़ होगी उसके लिए वैसी डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी, वैसा पंचकर्म चिकित्सा प्लान किया जाता है। पंचकर्म चिकित्सा का मतलब ये नहीं है डिटॉक्सिफिकेशन करना ही जरूरी है, इट कैन बी डिफरेंट उपक्रम ऑफ पंचकर्मा जो लोकली और द इंटरनली उसको डिसीज़ को निकालने में मदद करेंगे। थर्ड पार्ट आता है रेजुवेनेशन के लिए, इट आल्सो कैन बी डन एनी टाइम ऑफ द ईयर, क्योंकि ये आपकी बॉडी की रिकवरी फेज के लिए है और ये डॉक्टर पर डिसाइड कर सकता है वो कितने दिन किया जाना चाहिए और कब तक करना चाहिए। तो पंचकर्म बेसिकली एक सिंपल एग्जांपल, आपके घर में जंग लगी मशीन है जो चल नहीं पा रही है, जैसा आप बीमारी में हो जाते हैं, आप क्या करते हैं जंगली मशीन को कुछ दिन के लिए आप तेल डालते हैं, गर्म तेल डालते हैं, धूप में रखते हैं और सारी पपड़ियाँ टूट के गिरने लगती हैं। उसके बाद आपको उस तेल लेके उसको ब्रश से साफ करते हो ताकि कहीं भी कोई जंग रह गया वो भी टूट जाए। उसके बाद उसको सुखाते हो, गर्म पानी से धोते हो और बाद में उसको पेंट करके वापस से नया बना देते हो। पंचकर्म भी कुछ ऐसा ही आपके शरीर में करता है, आपकी बॉडी का रेनोवेशन करता है। जैसे आप अपनी पॉलिसी रिन्यू करते हो, अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हो, ऐसे पंचकर्म आपकी बॉडी को दोबारा से रेनोवेट करता है, आपकी सर्विस करता है। और सबसे मुख्य पार्ट, कोई भी डिसीज़ आपकी बॉडी के अंदर कब होती है, जब उसके सपोर्टिंग फैक्टर आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। बाहर से बीमारी या बाहर से वायरस बैक्टीरिया तभी इफेक्ट करेगा जब उसके सपोर्टिंग फैक्टर आपकी बॉडी के अंदर है, तो पंचकर्म उन सपोर्टिंग फैक्टर्स को, फ्री रेडिकल्स को आपकी बॉडी से निकाल देता है। तो इसलिए आपकी बॉडी में किसी भी डिसीज़ को होने के चांस 90% तक कम हो जाते हैं।
दूसरी चीज, जब कोई भी डिसीज आपके अपने फेस में चल रही है, आपको इतना इफेक्ट कर रही है, इट मीन्स दे आर वेरी एक्टिव पार्टिकल्स इन योर बॉडी। तो जो मेडिसिन आप खाते हैं वो मेडिसिन इतनी इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती, बिकॉज उसको अपोज करने वाले फैक्टर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर पंचकर्म जब उन फ्री रेडिकल्स को निकाल देगा, तो आपकी जो मेडिसिन आप खा रहे हैं वो 100% जाके काम करती है और आप डिसीज से जल्दी रिकवर कर जाते हैं। तो पंचकर्म चिकित्सा डिसीज से जल्दी रिकवर होने में, डिसीज को ज़्यादा परमानेंटली रिकवर करने के लिए और वेरी वेल योर बॉडी को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ती है। तो ये पंचकर्मा का महत्व है और मुझे लगता है आपको ज़िंदगी में हर साल कम से कम साल में एक या दो बार पंचकर्म चिकित्सा जरूर करनी चाहिए। जिस तरह के एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, जिस तरह से बीमारियाँ बढ़ रही हैं, पंचकर्म चिकित्सा आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण पद्धति साबित होगी।